गुड मॉर्निंग अपालियंस, आप सभी का ऑनलाइन डिजिटल अपाला के अंदर स्वागत है। संस्कृत की संधियाँ सिखाने के लिए मैं आरसी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हेलो स्टूडेंट, संधि का अर्थ होता है दो सार्थक शब्दों का मेल करना। अर्थात संस्कृत में इसकी परिभाषा है, द्वये सार्थकान शब्दान मेलनेन यत परिवर्तनम भवति तत् संधि इति ही। दो सार्थक शब्दों को मिलाकर जो परिवर्तन किया जाता है या होता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे कि महा प्लस आत्मा महाआत्मा, यदि प्लस अपि यद्यपि। इसमें एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद का लास्ट वर्ण जो होता है वो प्लस होता है उत्तर पद के फर्स्ट वर्ण तक। स्टूडेंट आपको मैं पुनः बता दूं, पूर्व पद का यानी कि यदि का ई और उत्तर पद का ए मिलाकर के जो रिजल्ट होता है उसको संधि कहते हैं। और इसी संधि को वापस जब आप तोड़ोगे, जो संधि विच्छेद करोगे, तब इसमें से दो सार्थक शब्दों को आपको निकालना है, तभी संधि विच्छेद सही होता है। लास्ट वर्ण दोबारा से बता दूं, लास्ट वर्ण पूर्व पद का, पूर्व पद यानी पहले वाला पद, उत्तर पद यानी बाद वाला पद, इनके जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण लास्ट वर्ण और उत्तर पद का फर्स्ट वर्ण जोड़ के संधि बनाई जाती है। संधि टाइप्स ऑफ संधि के अंदर अगर बात करें तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि में स्वरों का मेल किया जाता है, व्यंजन संधि में व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, विसर्ग संधि में विसर्ग आपस में विसर्ग के साथ में जुड़ते हैं। अब चलते हैं, आपको मैं बता दूं कि स्वर संधि क्लास 6, 7, 8 में जो मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ उसका मैं रिवीजन आपके लिए ऑनलाइन लेकर आया हूँ। स्वर संधि के अंदर अपने आपने सीखा कि माहेश्वरी सूत्र से हम कैसे सरलीकरण कर सकते हैं। जैसे माहेश्वरी सूत्र के, वैसे तो 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं, लेकिन आपको मैंने 6 ही सिखाए हैं ताकि आप स्वर संधि को क्लियर कर सकें। ओके, स्वर संधि के अंदर जो माहेश्वरी सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं वो ये हैं, तद्यथा ए री री के ए ओ अंग एयोंग ए औ चे अयोच है ये वे रे हय वरट लण। वैसे ये 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं जिनका प्रयोग पूरी संधि के अंतर्गत होता है, यानी उसमें स्वर संधि भी आ जाती है और व्यंजन संधि भी आ जाती है। आपको मैंने सिर्फ स्वर संधि सिखाई है जो इसके इन 6 माहेश्वरी सूत्रों के कारण होती है। अब रही बात ये कि माहेश्वरी सूत्र होते क्या हैं। माहेश्वरी का अर्थ होता है महेश के डमरू से निकले हुए सूत्र, जिन्होंने पाणिनि जो संस्कृत का महान ज्ञाता था, महान व्याकरण विदुष्य था, तो उन्होंने उस डमरू की आवाज पहचानते हुए इन व्यंजनों और स्वरों का एक मेल तालमेल बिठाया, उसी को कहते हैं माहेश्वरी सूत्र। दोबारा से बता देता हूं, अयुणे रीलरी के अयोंग अयोच हाय वरट लन। अर्थात ये 6 सूत्र याद कर लिए जाएं और उसके बाद में 5 आपकी संधि के सूत्र याद कर लिए जाए तो आपको स्वर संधि इन 5ों सूत्रों के अंतर्गत मिल जाती है। अर्थात इन 5ों सूत्र को करके एक सरलीकरण किया गया है। ओके, इस माहेश्वरी सूत्र में एक प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार का अर्थ होता है जोड़ा, यानी जैसे मनुष्य का कपल होता है उसी प्रकार से इनमें जोड़ा बनाया जाता है। दो मनुष्यों का जैसे बनता है वैसे दो वर्णों को मिलाकर जोड़ा बनाया जाता है। जैसे
ऐसे लेकर हणै तक एक प्रत्याहार बन गया, ऐ ये रहा और हणै ये रहा, तो ये प्रत्याहार बन गया अण। वैसे ही ऐसे लेकर कै तक प्रत्याहार बनते हैं, वो बन गया अख, और ऐसे लेकर अंगै तक प्रत्याहार बनते हैं तो वो बन गया अंगै, और ऐसे लेकर चै तक प्रत्याहार बनते हैं वो बनता है अच। इस अच के अंदर आप देखिए ए ई उ री ली ए औ ऐ औ ये आते हैं, अर्थात इसमें सारे स्वर आ जाते हैं, इसीलिए इसे अच संधि भी कहा जाता है। अच संधि यानी स्वर संधि भी कहलाती है। अच का मतलब हुआ ऐसे लेकर औ तक जितने भी स्वर हैं इसमें समाहित होते हैं। जैसे जोड़ा बनाने के लिए अपने क्या करना है, मैंने ये बता दिया आपको, दो वर्णों का फर्स्ट एंड लास्ट जो वर्ण होता है, जैसे ए ण, इसमें जितने स्वर आते हैं उसमें से हलंत वर्ण को नहीं लिया जाता। जैसे अक प्रत्याहार बनाने पर हमें अक में कौन कौन से मिलेंगे, ए मिल गया, ई मिल गया, ऊ मिल गया, और ये हणे हैं वो हलंत है इसीलिए हमने लिया नहीं, री मिल गया और री मिल गया, और कै भी हलंत है इसलिए लिया नहीं। तो अक प्रत्याहार में ए ई उ री ली, और इनको हम छोड़ देते हैं, ओके, क्योंकि ये हलंत वर्ण है इसीलिए हम इनको छोड़ देते हैं। अब ये जोड़ा बना दिया जाता है अक प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार में ए आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, री आ गया, नृ आ गया। ऊपर देखो आप, ए ई ऊ री नृ, ये पांच लघु और दीर्घ वर्ण आते हैं, अर्थात इनमें जो मैंने लिखा है वो इसलिए कह रहा हूं कि इसमें ए के साथ में ही आ मिला हुआ है, ई के साथ में बड़ी ई मिली हुई है, ऊ के साथ में बड़ा ऊ मिला हुआ, और री के साथ में भी बड़ी री मिली हुई है, और री बड़ी होती ही नहीं है। अर्थात अक प्रत्याहार में हमने सीखा कि प्रत्याहार यानी जोड़ा कैसे बनाया जाता है। अक में ए ई उ री लि, ये जो वर्ण है उन्हीं को हम बड़ा दीर्घ कर देते हैं, और ये सारे वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं। इस प्रकार हम अन्य जोड़े भी बना सकते हैं, अर्थात हम अन्य जोड़े इनके जैसे अण प्रत्याहार बनाया ऐसे लेकर हणे तक, तो अण प्रत्याहार बनाया ए ई उ हणे, तो अण प्रत्याहार में ए आ गया, ई आ गया, उ आ गया, अर्थात ए के बाद में आ भी है, ई भी है, उ भी है, ओके। तो इस प्रकार से हम अन्य जोड़े बना सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि अक प्रत्याहार का जो हमने बनाया है, या स्वर संधि का जो भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये जो भेद होते हैं, तो इसमें आपको यण संधि के अंदर जो भी सूत्र यूज किए जाते हैं वो सूत्र मैं आपको कल की तारीख में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।